हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, आई एम योर बायोलॉजी टीचर आनंद मिश्रा। एंड आज हम टॉपिक लेते हैं जीव जनन कैसे करते हैं, हाउ ऑर्गेनिज्म आर प्रोड्यूस्ड। जीव जनन कैसे करते हैं, जीव जनन में यहाँ पर कि आपने देखा होगा कि हमारी अर्थ पर जितनी भी स्पीसीज हैं वो स्पीसीज आपस में रिप्रोडक्शन शो करती हैं और अपने जैसे नए ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस करती हैं, अपने जैसे ही नए ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करती हैं। तो ये किसको क्या कहते हैं कि जीव जनन कैसे करते हैं, हाउ ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस। जीवों के जनन की क्रियाविधि पर चर्चा करने से पूर्व आइए हम एक मूल प्रश्न करें, जीव जनन क्यों करते हैं। जीव जनन क्यों करते हैं, इसके पीछे एक जरूर क्वेश्चन आता है, जीव जनन क्यों करते हैं, जनन क्यों करते हैं। ये भी क्वेश्चन उत्पन्न सकता है कि वाई ऑर्गेनिज्म या वाई थिंग्स ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड ऑफ स्प्रिंग्स, ये भी क्वेश्चन इसका बन सकता है यदि अपन देखें तो। क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज़ पूछी और बहुत अच्छी दिमाग में मेरी बात आ गई, तो मैं आपको बता दूं कि ये बहुत बढ़िया बात है। आप समझो, वास्तव में पोषण, न्यूट्रिशन, श्वसन, रेस्पिरेशन अथवा उत्सर्जन यानी एक्सक्रीशन जैसे आवश्यक जीव प्रक्रमों की तुलना में किसी व्यष्टि यानी जीव को जीवित रहने के लिए आवश्यक है, लेकिन जनन आवश्यक नहीं है। यानी रिप्रोडक्शन इज नॉट अ नेसेसरी, NECESSARY नेसेसरी एलिमेंट। यानी रिप्रोडक्शन कोई जरूरी है, लेकिन तब भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करते हैं। दूसरी ओर जीव की उत्पन्न करने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, फिर जीव उस प्रकार अपनी ऊर्जा व्यर्थ क्यों करता है। उसको जीवित रहने के लिए आवश्यक नहीं कि कक्षा में इस प्रश्न के संभावित उत्तर खोजना अत्यंत रोचक होगा। अब विशेष ध्यान रखना है कि रिप्रोडक्शन में क्या लगती है, एनर्जी भी लगती है, टाइम भी लगता है, और इसके साथ कभी कभी लाइफ सस्टेनिंग प्रॉब्लम्स भी फेस होती हैं, प्रॉब्लम आती हैं। लेकिन तब भी आदमी रिप्रोडक्शन करता है, तब भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जीवित वस्तुएं होती हैं, वो रिप्रोडक्शन करती हैं। इस प्रश्न का जो भी उत्तर, परंतु स्पष्ट है कि हमें विभिन्न जीव इसलिए दृष्टिगोचर होते हैं क्योंकि वे जनन करते हैं। यदि वह जीव एकल होता तो कोई जनन द्वारा व्यक्ति उत्पन्न नहीं करता, तो संभव है कि हमें उनके अस्तित्व का पता भी नहीं चलता। किसी स्पीसीज में पाए जाने वाले जीवों की विशाल संख्या यानी किसी स्पीसीज में आने वाले नंबर ऑफ लिविंग थिंग्स हमें उसके अस्तित्व का ज्ञात हैं। हमें कैसे पता चलता है कि दो व्यक्ति यानी दो लोग एक ही स्पीसीज के सदस्य हैं। सामान्यतः हम ऐसा इसलिए कहते हैं कि वे एक समान दिखाई देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जिनकी संख्या ज़्यादा होगी, संख्या ज़्यादा होगी तब स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। आपको ये बात ध्यान रखना है, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, संख्या ज़्यादा होगी तो। इसके बाद सामान्यतः इसलिए इसलिए करते हैं कि वे एक से ऐसे दिखाई देते हैं, अतः जनन वाले जीव संतृति का सृजन करते हैं जो बहुत सी तक उनके समान दिखते हैं, जो बहुत जैसे समान दिखते हैं। जैसे हमारे हम अपने पेरेंट्स के कुछ हद तक समान दिखते हैं, और हमारे बच्चे भी या हमारे ऑफस्प्रिंग भी कुछ हद तक हमारे जैसे दिखाई देने वाले हैं या दिखाई देंगे। इसके लिए सबसे बड़ी जो बात आती है वो आता है डीएनए। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसका नाम होता है, फुल फॉर्म होता है, आप लोग भी लर्न कर लेना, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड जो डीएनए होता है, और एक होता है आरएनए जिनको हम मटेरियल्स बोलते हैं, राइबो न्यूक्लिक एसिड।
ये डीएनए और आरएनए हमें अपने पेरेंट्स की जो शक्ल होती है उससे मैच करवाते हैं, और ये डीएनए आरएनए हमें अपने जो पूर्वज हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो हमें दिलवाते हैं। डीएनए और आरएनए को हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल या फिर हम इसको जेनेटिक बोलते हैं, जेनेटिक कोड भी इसको हम बोलते हैं। विशेष ध्यान रखना है, विभिन्न जीवों को अभिकल्प आकार एवं आकृति समान होने के कारण वे समूह सदृश एक जैसे प्रतीत होते हैं। शरीर का अभिकल्प समान होने के लिए यानी प्रिंट समान होने के लिए आप देखा होगे शरीर का ब्लू प्रिंट सबका जैसा होता है, अतः अपने स्तर पर जनन जीव के अभिकल्प का ब्लू प्रिंट तैयार करते हैं। आगे देखना है गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स भी मेन चीज है। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, धागे जैसे, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ द सेल। तो आज का वीडियो केवल इतना ही, इसको आप पढ़ें अच्छे से। मैं इसकी पीडीएफ में आपको भेज दे रहा हूँ जिससे कि आप लोग दिक्कत यदि तब भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। इस चैप्टर जरूर पढ़िएगा, हमने चैप्टर स्टार्ट कर दिया है, जल्दी हम इस चैप्टर के और भी वीडियोज आपके सामने लाएंगे। थैंक यू।